जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं हूं पंडित रवि कुमार और आज आपको बताऊंगा कि आपकी व्यापार में अगर कोई दिक्कतें आ रही है, व्यापार किसी वजह से नहीं चल पा रहा है, तो आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है जिससे कि आपके व्यापार में गति बंद हो गई है, व्यापार रुक गया है, व्यापार बंद हो गया है। तो सर्वप्रथम आप अपनी दुकान का एक एरिया देख लें कि आपका दुकान का मिडिल एरिया कौन सा आ रहा है, वो देखकर आप उसको देखें कि कहीं वहां पे ज्यादा वजन तो नहीं पड़ा। दूसरा एक और ये एरिया देखें कि ईशान कोण, दुकान का ईशान कोण आप एक कंपास डाउनलोड करें तथा उसमें देखें कि ईशान कोण कहाँ आ रहा है, वह कोण कहीं ज्यादा वजन से भारी तो नहीं हुआ है। तीसरा एक और ये देखें वायव्य कोण, जो कि यह कोण सबसे अच्छा कोण व्यापार के लिए कहा गया है। इस कोण में अगर आप बना हुआ माल, तैयार माल आप रखते हैं तो यह जल्दी बिकता है। तो इस कोण को आपको तैयार माल जो सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला हो, उस माल को आपको वायव्य कोण में सारा शिफ्ट करना है। और जब भी आपके जो क्लाइंट होंगे, जो कस्टमर होंगे, यह आप ध्यान रखें कि आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ रहे और उत्तर दिशा की तरफ रहे, ये दो ही दिशा आपको उन्नति देने वाली है, अतः इस दिशा का विशेष ध्यान रखें। और चौथा, जो दुकान का मेन पॉइंट मध्य स्थान है उसको आप साफ सुथरा रखें और दुकान के मध्य स्थान के बीच एक फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा हरे कपड़े में बांध कर आप लगा दें तो उससे आपकी उन्नति बनी रहेगी। व्यापार में जो अनचाही बाधा, जो ना समझ पा रहे हो, वो भी दूर हो जाती है। अतः ये छोटे से उपाय करके आप बड़ा लाभ ले सकते हैं। मैंने कईयों को बताए हैं और उनका वापस रिटर्न में थैंक्स भी आया है। आप भी करें, निश्चित लाभ होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।